इतना ऊपर की तरफ कैसे टिल्ट हो गया? दिखाना सही आ रहा है, देखना जब बताना। अभी ठीक है? नहीं, टिल्ट की बात है हमारे, कुछ होना चाहिए ना, सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ? चलिए, शैडोई फिगर लग रहा हूँ मैं यहाँ पर। चल, हाँ कहीं पर बस चमक गया एकदम, है ना। चलिए, हेडिंग डालिए, अल्कोहल एंड ईथर। नया चैप्टर है अल्कोहल एंड ईथर, एल्कोनिन ईथर, और डिस्कशन भी करना है। तो हाइड्रोकार्बन का आप डिस्कशन दे सकते हैं, पढ़ लिया ना? लोग कहते हैं 2 हफ्ते चाहिए आपको, जब कह रहा था मैं इस हफ्ते के हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन, तो आप लोग कहते नहीं होगा। नहीं, होमवर्क दे सकते हैं ना हाइड्रोकार्बन का, तो डिस्कशन के लिए होमवर्क और लिख लेते हैं ना। हाइड्रोकार्बन का दे देता हूँ मैं। कितने क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज 1 में? बस एक्सरसाइज 2 में? ओके, तो सारे डू योर सेल्फ कर लेना, ठीक है? जितने भी डू योर सेल्फ दिए और एक्सरसाइज होनी है तो कर चुके हो ना आप? सही है, नाइस। नहीं किया, अच्छा, खाली पहला पेज किया। एक्सरसाइज हमने 50 क्वेश्चन दिए, अच्छा 20 तक मैंने होमवर्क दे दिया है। ओके, आगे के 30 कर लेना फिर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में डू योर सेल्फ और एक्सरसाइज में 50 तक डिस्कस होगा, ठीक है? तो ज़्यादा हो रहा है काम, बट कोई नहीं, कर लेना। इस बार सैटरडे को आपकी मैथ की क्लास होगी ना, जैसा ग्रुप में आया था ना? वो पढ़ना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन और सल्फ, एस ब्लॉक पी ब्लॉक? नहीं, हो तो प्रेशर नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ होमवर्क ज़्यादा होगा या जो भी है ना। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जो थोड़ी कि हर संडे हर सैटरडे हम करें करें, ऐसा नहीं है। नहीं करेंगे सैटरडे, ठीक है? डिस्कशन पॉइंट है कि पढ़ के आना है आपको, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इस सैटरडे डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है? जो हर सैटरडे हो रहा है 2 सैटरडे से, इस सैटरडे नहीं होगा, नेक्स्ट सैटरडे। फिर तब तक तो आप पढ़ लोगे ना हाइड्रोजन फैमिली और एस ब्लॉक, तो तब तक आप रट लेना अच्छे से। चलिए, अब हम आते हैं अपने काम पे। एल्कोहल और ईथर, फिनॉल बेटा हम अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से टॉपिक है पूरा। एक दो पॉइंट लिख लो ऐसे ही। सीओ बॉन्ड लेंथ जो होती है, जनरली सीओ बॉन्ड लेंथ, ये यूजलेस फैक्ट है, कभी हो सकता है काम आना है। सीओ बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। जो एल्कोहल का सीओ बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है? 1.42 एंगस्ट्रॉम। अगेन पूरा चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है, देखते हैं आपको कितना याद है। हेडिंग डालो प्रिपरेशन। प्रिपरेशन लिखे फ्रॉम एल्किल हैलाइड, पहला पॉइंट डालिए, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। बताइए कैसे बनाते हैं, सोचो, वी हैव इनफ टाइम, तो सोचिए। एल्किल हैलाइड से आपको क्या H2O से रिएक्ट करा सकते हैं, और एक्वस KOH से कर सकते हैं, ठीक है? H2O और एक्वस KOH, तो आपके पास क्या है? RX की रिएक्शन आप किससे करा दें?
H2O से, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका ROH, या फिर RX की रिएक्शन किससे करा दें आप, एक्वस KOH। अच्छा एक्वस KOH में एक डर भी रहता है कि क्या हो सकती है रिएक्शन, अगर टेम्परेचर हल्का सा हाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये क्या E2 हो गया एक्वस KOH, E1। अगर टेम्परेचर हाई कर दे तो क्या होगा आपका, E1। अगर टेम्परेचर लो है तब क्या हो रहा है यहाँ पे, SN1। ये दोनों क्या है आपकी, SN1 रिएक्शन। एक और होता है अपार्ट फ्रॉम एक्वस केवल, समटाइम पीपल टेक एक्वस AgOH, ये भी वर्क करता है। मैं जैसा कहता कि इस बार आपका टेस्ट का रिजल्ट थोड़ा सही रहा है, मतलब मुझे इन्होंने बताया कि पिछली बार भी ऐसे ही था, कोई बोला नहीं था, मैं अच्छा बताया था ना पिछली बार, इससे भी अच्छा था शायद, या जो भी था, तो ऐसा करते रहिए अच्छा रहेगा। मतलब एटलीस्ट 3 लोगों का तो सही था इन तीनों का, और बाकी आपका भी पहला टेस्ट था एक तरीके से अच्छा वाला, तो अच्छा किया और करिए, आप बहुत बेटर कर सकते हैं, ठीक है, सीखना चाहिए बाकी सबको एक्चुअली। इससे अभी आया बच्चा और तब भी इतना सही कर रहा है, ठीक है। और मतलब मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, इन जनरल क्लास में, अब ये नहीं कि पढ़ाई कर दी अगली बार से तुम भी नीचे हो जाओ इनके चक्कर में। चलिए तो पॉइंट है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और करना है। चलिए लिखिए अगला, लिखिए आगे हाइड्रेशन फ्रॉम एल्कीन, ऐसे लिखो फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, बताइए एल्कीन से आप कैसे कैसे बनाएंगे मुझे बताइए, एल्कीन से बताओ कैसे कैसे बनाओगे यहाँ पे, ये इसके ऊपर इसको हम थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, एल्कीन की बात करते हैं, फ्रॉम एल्कीन से बनाने का पहला मेथड बताओ क्या होगा, सीधे से H2O और S पॉजिटिव, H2O और H पॉजिटिव। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें करिए आप H2O H पॉजिटिव, इससे हम थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका कैसा होता था, जो इसका मैकेनिज्म होता था वो कैसे होता था आपका, एग्जैक्टली लाइक जो आपका मार्कोनी का ऑफ वाला मैकेनिज्म था वैसा था, सिंपल एडिशन रिएक्शन है। तो करिए मार्कोनी का ऑफ कितना होता था, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा आपका, पहले स्टेप पे अगर जिसको दिक्कत हो रही है आप सीधे मार्कोनी का ऑफ रूल लगा के कर सकते हैं, इसमें क्या होता है आपका दो स्टेप है, ऑल्दो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था मार्कोनी का ऑफ में क्या होता है आपका रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे एच प्लस है और ओ एच माइनस है, तो पहला क्या होगा हम इसको तोड़ देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में, पॉजिटिव किधर होगा लेफ्ट पे या राइट पे, लेफ्ट पे पॉजिटिव होगा और राइट पे क्या होगा नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव क्या ले लेगा एच प्लस, नेगेटिव एच प्लस लेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 CH और यहाँ पे क्या होगा CH2H और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब बताओ यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो OH आके यहाँ पे लग जाएगा, और मैंने आपको बताया था एक्चुअल में इतना याद रखना है कि OH नहीं अटैक करता है, सेकेंड स्टेप में क्या अटैक करता है वाटर अटैक करता है, बट हम अपने हमारे हिसाब से क्या है OH, तो ये क्या बन जाता है आपका प्रोडक्ट बन जाता है, क्लियर है।
रिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो पढ़ाया नहीं ना मैंने अभी तक, कर लेंगे एक दिन की बात है, जैसे भी सिलेबस आगे चल रहा है हमारा। ठीक नहीं कराया अभी, रिंग एक्सपेंशन नहीं कराया, एक आधा क्वेश्चन बीच में बताया था बस, मैंने बहुत क्लियरली मुझे याद है, ना एक्सपेंशन कराया ना एक क्वेश्चन कराया था, ना कॉन्ट्रैक्शन कराया ना एक्सपेंशन कराया, मतलब अलग से नहीं पढ़ाया। चलिए फॉर द टाइमिंग, अच्छा एक क्वेश्चन करा दिया था ना, थोड़ा तो आइडिया हो ही गया होगा इससे, एक और कराते हैं अभी, पहले ये करते हैं ठीक है, चाहे ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, चाहे आपको क्या दे दे करीब, मैं गया पहले स्टेप में क्या किया था ऊपर, ये पहला क्वेश्चन, उसमें क्या किया हमने पहले स्टेप में बनाइए, तो कार्बोकेटन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा, पहले बनाओ। यहाँ क्या लगेगा, एच लगेगा या डी लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बना है तो यहाँ पे या तो एच लगा होगा या तो डी लगा होगा, क्या 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 लगेगा यहाँ पे, डी लगाओ। ठीक है अब बताओ यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है, ढंग से सोचो जरा, क्या ये और स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे होगा, तो वहाँ से क्या माइग्रेट करेगा, वहाँ क्या एच है अवेलेबल तो वो माइग्रेट करेगा ना पहले, अगर एच है तो एच माइग्रेट करेगा, अगर डी है तो, अगर एच नहीं है तब क्या माइग्रेट करता है, नहीं ठीक है, दिखाना इधर इधर ही आ जाओ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ फिर दिखते रहेंगे ठीक है, तुम में से एक, अच्छा दो ही लोगों, सही ठीक है देखना, ओ एच कहाँ आएगा, यहाँ पे एच कहीं पे भी लिया है हमने, हाँ सही है देखना ठीक है, यहाँ डी बनाओ ऊपर ताकि दिखे ना, डी को अलग से नहीं कर सकते, आ गया थोड़ा सा गलत है बस, छोटी तो सही जगह लगाई, ये एच कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ ये सही है, लेकिन यहाँ पे डी बनाओ ना, वो बनाया नहीं, सही है डी आएगा, डी ही तो लिया ना अच्छा हमने, एच लिया अरे ही, हाँ यहाँ पे डी आएगा, लेकिन तुम्हारा और भी गलत है, उसका सही है वो, उसने जो डी लगाया देखो ना, पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज करेगा ना, सही है, यहाँ डी एच नहीं हुआ, गलत है थोड़ा सा गलत है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया होगा फिर वो रीअरेंज करेगा ना, ये बना दिया, अब इसके बाद यहाँ पे क्या ये कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, हो सकता है ना, तो ये क्या करेगा, ये इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है देखिए, तो काफ़ी लोगों ने सही किया है, देखिए यहाँ पे क्या है, और विच इज़ अ नाइस थिंग, बट जिन लोगों ने सही नहीं किया दैट इज नॉट अ नाइस थिंग, बट फिर भी तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक कर देंगे इसे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ पे एच तो है नहीं, यहाँ पे क्या है,
डी है। तो यहाँ पे क्या लगेगा डी। अब ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन को हम क्या कर सकते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एच यहाँ से मूव कर जाएगा, एच यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो क्या बनेगा, और यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे क्या लग जाएगा, ओडी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा और बताइए, पहला तो मैकेनिज्म ये हो गया, दूसरा मैकेनिज्म क्या होता था, एल्कोहल से जो दूसरा बनाते थे उसको हम क्या बोलते थे बताइए। ये दिन आ गए, ये नहीं याद है, एल्कीन से जब एल्कोहल बनाने का और कौन से तरीके थे, शॉर्ट फॉर्म तो याद होना चाहिए, फुल फॉर्म HBO और ऑक्सीमर्क्युरेशन एंड डीमर्क्युरेशन। दो और रिएक्शन पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी थी, एक था ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन और क्या था HBO हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन। तो पहली हेडिंग डालना उसमें, मतलब नंबर टू हेडिंग होगी कौन सी, ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन, ठीक है, हेडिंग नंबर टू होगी ऑक्सीमर्क्युरेशन एंड डीमर्क्युरेशन। ठीक है, इसमें रिएजेंट कौन से यूज करते थे, याद है किसी को, नहीं याद है, रिएजेंट क्या यूज करते थे, देख लो पीछे पलट के। ओके एक मिनट रिवाइज कर लो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम टू रिवाइज बोथ रिएक्शन। ठीक है, आपके पास नोटबुक है, आप रिवाइज करिए पीछे खोल के, ऑक्सीमर्क्युरेशन एंड हाइड्रोबोरिनेशन रिवाइज करिए आप, क्योंकि फिर रिवाइज करने कोई मतलब नहीं ना अगर आपको याद नहीं कुछ तो। ठीक है, ऑक्सीमर्क्युरेशन एंड डीमर्क्युरेशन, आगे पढ़ो बेटा, टाइम नहीं रहा, 2 मिनट है, पूरा रिवाइज करो। ठीक है, ओके बड़े चलिए बताइए, तो यहाँ पे रिएजेंट कौन सा था, हाँ HG, पहला पॉइंट था रिएजेंट क्या था, HgOAC का होल ट्वाइस कॉमा वाटर एंड क्या PHF। अच्छा PHF लिया था क्या इसमें, पहले स्टेप में PHF ले लेते हैं, और क्या है तो ठीक है, पॉइंट इतना होता है मीन, ठीक है, OH नेगेटिव तो पानी सप्लाई करने के लिए होता है आखिरी में, वाटर भी लिख सकते हैं ना। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो जो आपका कार्बोकैटायन बनता है वो क्या बनता है आपका, नॉन क्लासिकल या क्लासिकल, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। तो मैं अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन, मैंने उस समय नहीं बताया था, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये बताइए, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो डिफिकल्ट नहीं है, जो अटैच हो रहा है वही इलेक्ट्रोफाइल है नॉन क्लासिकल में, जैसे यहाँ पे Cl- Cl+ थे, Cl+ अटैच होता था जाके ट्रायंगल बनाता था, तो Cl+ क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, HgOAC पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ये ठीक है, दोबारा पढ़ रहे हैं हम ये, और एक बार अभी आगे और भी पढ़ने को मिलेगा शायद, पॉइंट है कि
अच्छे से कौन पढ़ाएगा, मतलब दो दो बार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर चीज। ओके नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है? नहीं होता, कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तो सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे अगर नो रीअरेंजमेंट है। और यहाँ पे कौन सा होता है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मैंने बताया था ना एम से क्या हो गया मार्कोनिकॉफ, तो यहाँ पे क्या होता है मार्कोनिकॉफ होता है, ठीक है। नाउ अगला स्टेप है, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो एंटी होता है या सिन होता है? एंटी होता है, ठीक है। तो बेसिक सारे मैंने बता दिया आपको, क्लियर है? फिर से ओके कर लो, एक आधे रिएक्शन कर लेते हैं। इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, साइड प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे? ACOH मतलब एसिटिक एसिड बनता था, प्रोडक्ट बनाइए यहाँ पे क्या बनेगा? कर लिया, मार्कोनिक ऑफ है, मार्कोनिक ऑफ है, डायरेक्ट मार्कोनिक ऑफ है, दैट इज, यहाँ पे कोई ज्यादा सोचना भी नहीं है। तो क्या होता है उसमें मार्कोनिक ऑफ का बेसिक मोटो क्या था? पुअर बिकम्स पुअरर, तो यहाँ पे जिसके पास एच ज्यादा है उसके पास एच जाएगा, तो एच किसके पास जाएगा? जिसके पास एच ज्यादा है उसके पास एच क्या होगा? जाएगा, इजी इनफ है। ठीक है, और एक आधे एग्जाम्पल बता दो, दो तीन तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। चलिए ये करिए, करो ये भी करना है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट बनाओ। हो गया किसका किसका हो गया, आ जाओ करा के। हाँ बस प्रोडक्ट बनाना, मैकेनिज्म निकले। क्या होता है जिसके पास कम एच होते हैं उसके पास एच जाता है, हाँ ठीक है। अगला वाला बनाओ, उसी में बना दो मिटा के, चाहे डबल बॉन्ड हटा के बना दो इसमें। ठीक है, ठीक
ठीक है। तो बाकी आप रिवाइज कर लेंगे ये, मैं आगे तो पूरा तो क्वेश्चंस कराने नहीं, बेसिक बता दिया सारा। अगली हेडिंग डालिए हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन। चलिए रिएजेंट बताइए इसमें क्या होता था। BH3 या आगे और सेकेंड स्टेप में, ये तो बोरेनेशन हो गया। पहले स्टेप में क्या लेते हैं आप, B2H6 और OH- नहीं आपका THF, और सेकेंड स्टेप में क्या लेते हैं आप, NaOH और परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड या H2O2 OH-। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, बोरोनेशन। ठीक है, अगर आई होप यू रिमेम्बर कि अगर मैं ये स्टेप ना दूं आपको तो प्रोडक्ट क्या बनता था, वो याद है मैंने कहा था, ये ध्यान रखना कि अगर मैं सेकेंड स्टेप के रिएजेंट नहीं देता हूँ तब क्या प्रोडक्ट बनते थे, BR3 करके कुछ बनता था, याद है? तो वो चीज ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पूरा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट साथ ही साथ अगर आपको सिंगल स्टेप में क्या बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लो। और क्या क्या पॉइंट थे इसमें, क्या यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन रिअरेंजमेंट होता है, नहीं होता, यहाँ पे भी कोई रिअरेंजमेंट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, एंटी मार्गोनिक ऑफ होता है, लिख लो। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या था, जैसे वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या था, HCOAC, S क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था, सोचिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे, BH3। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, BH3। B2H6 के क्लीवेज से बनता था, क्या बनता था, BH3। क्या आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि BH3 क्या है, एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसकी। अच्छा, B2H6 में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, बनाना बॉन्ड होता है, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कौन से बॉन्ड की, कौन सी BH बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, बी टर्मिनल या बी ब्रिज, दो टाइप के एच थे ना, एक टर्मिनल एच था और एक क्या था, ब्रिज वाले एच थे, तो एक ये एच टर्मिनल है और एक ब्रिज है, तो किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, एच टर्मिनल की, एच ब्रिज की, रटने की जरूरत नहीं, खुद सोचो ना कॉमन सेंस से, कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं आपके दोनों, बी जो BT बॉन्ड है, BHT बॉन्ड है, ये कौन से टाइप का बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड है, और जो BH ब्रिज वाला बॉन्ड है वो कौन सा है, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड का मतलब क्या होता था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के बीच में और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर के बीच में, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा स्प्रेड हो गई है, ब्रिज वाले में, तो कौन सी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ब्रिज वाले। एक और क्वेश्चन मैंने कराया था कि ये अगर एंगल θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है तो कौन सा बड़ा होता था, कौन सा एंगल ज्यादा होता था, क्यों, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, बिल्कुल सही, θ1 का एंगल क्या था, θ2 से ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़े से कम है, तो θ1 ज्यादा था। खैर, दिस इज समथिंग बाय द वे, आगे P2H6 से क्या होगा, BH3 हो गया, और यहाँ पे जो आपका एनर्जी, जो आपका ओरिएंटेशन है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल, BH3 लिख लिया, लिख लो, हर चीज लिखना बहुत जरूरी है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, BH3।
और यहाँ पे जो अटैक होता है वो क्या होता है आपका, सिन होता है या एंटी होता है? सिन अटैक होता है, लिख लेना। सिन मतलब कि दोनों जो एच और ओ एच लगेंगे वो क्या लगेंगे, सेम साइड पे लगेंगे। अगला लिख लेना, मार्कोनिक ऑफ होता है या एंटी मार्कोनिक ऑफ? ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, मैं जैसा आज ये पढ़ा तो दे रहा हूँ, तो घर जाके रिवाइज कर लेना ये सारी रिएक्शंस, ठीक है, कि जब आपने ओरिजिनली जब हमने पढ़ी थी तब, तो आपका रिवीजन इस तरीके से होता जाएगा। पर्पस ही यही था इस तरीके से पढ़ाने का, वरना एक टाइम में करा लेते, इतना टाइम नहीं देना पड़ता ना हमें। तो ये हमने रिएजेंट ले लिया, बनाइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ का मतलब क्या होता है, पुअर बिकम्स रिच, ठीक है, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, आयरनी ऑफ द स्टेटमेंट ना। हो गया, तो किधर आएगा एच, किधर आएगा ओ एच, किधर आएगा ओ एच, कहाँ पे आएगा ओ एच, राइट पे आ जाएगा, और एच कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ओ एच एच। कितने लोगों का सही है ये, ठीक है। चलिए एक प्रश्न करिए, एग्जांपल। प्रोडक्ट बनाना है तीनों का आपको, अच्छा वो जो मैंने लिखा था वो याद होगा आपको, मैंने AgOH जो लिखा है पहले वाले रिएक्शन में, एल्किल हैलाइड वाले में, उसका याद होगा, मैंने उसका जो ओरिजिनली पढ़ा था मुझे अभी याद आया, मॉइस्ट Ag2O करके कहीं पे पढ़ा था, याद है, तो वो AgOH मॉइस्ट Ag2O ही है। इनकेस अगर आपको याद आ गया हो तो, मुझे याद आ गया अभी तो। हो गया तीनों सही है। रिडक्शन तो याद होगा नहीं अभी सारा ना, हो गया, हो गया, बता रहा हूँ ये कहाँ से, ये कैसे बनेगा, H3O+ है, अभी किया था ना, तो उसमें क्या बनता था, कार्बोकैटायन बनता था, उसमें क्यों कर रहे हो डायरेक्ट, उसमें मार्कोनिक ऑफ करने कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रीअरेंज करके यहाँ पे आ जाएगा, और OH यहाँ पे लग जाएगा। बचे हुए दोनों केस आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो प्लीज रिवाइज करिए आके। अगली हेडिंग डालिए रिडक्शन।
आपका फेवरेट टॉपिक आ गया, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, कि जो आर सी ओ एच होता है, ठीक है, इसको जब हम रिड्यूस करते थे किससे किससे, देखो किससे किससे रिड्यूस करते थे, कि आपको आर सी एच टू ओ एच मिलता था, या पहले देखो, सबसे पहले देखो जाके मैं बताता हूँ, क्या एल आई एल एच फोर करता था ये चीज, कहा था एक पेज में अलग से लिख लेना, क्यों नहीं लिखा अभी तक, लिखा है हाँ, तो देखो क्या एल आई एल एच फोर करता है, क्या एल आई एल एच फोर सी एच सी एच ओ को सी एच टू एच में कन्वर्ट करता है, करना ही चाहिए क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आर सी एच ओ क्या करता है, आर सी एच ओ को एल आई एल एच फोर क्या करता है, ये काम कर देता है। लेकिन क्या एन ए बी एच फोर और डिबा एच करते हैं ये काम, देखो क्या एन ए बी एच फोर और डिबा एच ये काम करते हैं, हाँ 2 डिग्री 3 डिग्री, हाँ आर एक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो आर सी एच ओ की बात कर रहा हूँ ना, क्या एन ए बी एच फोर आर सी एच ओ को रिड्यूस करता है आर सी एच टू एच में, देखो देखिए दिया करता है, इट रिड्यूसेस ओनली, हाँ ठीक है आर सी एच ओ को करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एन ए बी एच फोर भी करेगा, क्या डिबा एच करता है, ये नहीं करता, डिबा एच नहीं करता। अच्छा इसके अलावा एक और चीज पढ़ाई थी मैंने, सोडियम सी टू एच फाइव ओ एच, देखो एन ए प्लस सी टू एच फाइव ओ एच, वो भी ये काम करता है, करता है, देखो एन ए सी टू एच फाइव ओ एच भी ये काम करता है। तो NaC2H ये तीनों आपके मेनली क्या करते हैं, RCHO को RCH2OH में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा अब दूसरा काम देखो, RCOR ये किस में कन्वर्ट होता है, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री में, ये कन्वर्ट होता है RCHOH और यहाँ पे क्या है R डैश, ठीक है सीआर। तो लेकिन इस मेथड के द्वारा हम 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते, वायर रिडक्शन हम 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते, ठीक है, हेडिंग डाल ली होगी रिडक्शन ना, ठीक है आगे बढ़े। अब डालो रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव, रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए बताइए कौन कौन से रिएजेंट अगर हम लेंगे जो आर सी ओ ओ एच को आर सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दो बता दो, सारे बताने की जरूरत नहीं है, एक दो भी याद है तो काम हो जाएगा, कौन कौन सा करता है, आर सी एल आई एल एच फोर, ठीक है ये हो जाएगा, और कौन कौन, ये तो एसिड हो गया, अब एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से थे बताइए, एसिड के डेरिवेटिव बताएंगे, मतलब OH हटा के कुछ भी लगाते जाओ, जो जो पढ़े हैं, पहला हम ले लेते हैं RCONH2, नहीं बात करेंगे उसको बाद में करेंगे, X ले लेते हैं, तो RCOX को कौन कौन रिड्यूस करता है, देखो हाँ NaBH4 DiBH और LiLH4 वो सारे करते हैं, समझ गया, मैं एक लिख दे रहा हूँ,
आप जब पढ़ेंगे, जब भी ये चैप्टर रिवाइज करेंगे अल्कोहल, तो आप इसको किसके कंजंक्शन विद कंजंक्शन ऑफ रिडक्शन रिवाइज करेंगे, ठीक है? जब भी आप किसी भी चैप्टर में रिडक्शन पढ़ेंगे, देन यू रिवाइज दैट रिडक्शन विद कंजंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिडक्शन चैप्टर। अच्छा, और कौन कौन से होते हैं बोलो? आर सी ओ, अरे बोलो भाई, कौन कौन से होते हैं एसिड डेरिवेटिव? हाँ, तो नाम क्या होता है उसका? एनहाइड्राइड। ओके, ओ सी ओ, मैं सुना नहीं था मैंने ढंग से। आर डैश, एनहाइड्राइड को कौन रिड्यूस करता है? ये तो सबको ही करता है एक्चुअली लगभग। तो एनहाइड्राइड का जब रिडक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है, याद है क्या मिलता था? प्रोडक्ट। एनहाइड्राइड का जब रिडक्शन होता था तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तोड़ देते हैं, इधर वाला आर सी एच टू एच देगा और ये आर डैश सी ओ एच देगा, वो फर्दर फिर रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आर सी एच टू ओ एच प्लस आर डैश सी एच टू ओ एच, ठीक है? और क्या क्या था, और कौन कौन से डेरिवेटिव थे बोलो भाई, बहुत स्लो कर रहे हो। और कौन कौन से डेरिवेटिव थे? अरे देखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव बना नहीं सकते हो, OH की जगह पे क्या लगाना है? OR लगा दो, कीटोन कहां से डेरिव होते जाएगा एसिड का, ठीक है? अगला डेरिवेटिव क्या होगा? एस्टर। इस OH को बस चेंज करना है आपको, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे भी लगभग। अच्छा बताओ, क्या NaBH4 इसका रिडक्शन करता है? क्या NaBH4 इसका रिडक्शन करता है? देखो नहीं करता है इसका रिडक्शन, ठीक है? तो NaBH4 इतना रद्द कर लेना। ठीक है, और कौन सा होता है? एक आप बता रहे थे कौन सा होता है, चार ही होते हैं मेन, ये हो गया, और कौन सा था? RCONH2। RCONH2 का जब रिडक्शन करते थे तो क्या मिलता था? क्या अल्कोहल मिलता था? क्या मिलता था? RNH2 मिलता था, ठीक है? जब इसका रिडक्शन करते हैं तो आपको जनरली क्या मिलता है? RNH2। तो ये हमारे काम की रिएक्शन नहीं है, मतलब कि ये डेरिवेटिव हमारे काम का नहीं है, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, एक कार्बन कम कर, ठीक है? ये हमारे काम का रिएक्शन नहीं है। हो गया? हो गया? चलिए क्वेश्चन करिए, जस्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ज्यादा नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है? करो,
हो गया। इसमें कुछ नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको जो नहीं पढ़ाई हैं अभी तक। चलेगा ये सबसे चलेगा फिर। हो गया, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए। गलत ढंग से देखो कहाँ पे गलती की है, गलत कर रहे हो, तुम्हारा भी गलत है, दिखाना। ठीक है, गलत है, क्या गलती की है सोचो। हाँ, पहली बात तो तुम दोनों तो ये गलती कर रहे हो कि जो एस्टर होता है वो पहली बात तो NaBH4 से होता नहीं है, तो ऊपर वाला COET वही रहेगा। ठीक है, हाँ नहीं, सिर्फ नीचे वाला नहीं जाएगा। हाँ ये ओ भी होगा। कहाँ किया? अच्छा वो चाह, सही है, सही 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 है, इनका सही है। ठीक है, तुमने लेकिन फिर गलत क्या किया था, कुछ नहीं किया क्या बाद में? तो नहीं किया ये? ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो है ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा आपका, नहीं होगा क्योंकि ये एस्टर है, और एस्टर क्या होता है, ले देके तीन चार ग्रुप ही होते हैं जो NaBH4 से क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, पहले, और ये वाला क्या हो जाएगा, CHO क्या हो जाएगा आपका, CH2OH हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो CO है, ये CO क्या रहेगा आपका, CO भी तो ऑक्सीडाइज होता है कीटोन, तो कीटोन किस में जाता है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले हेडिंग डालिए, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रेजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रेजेंट। ठीक है, चलिए बताइए, RMGX की पहला क्वेश्चन आप करिए। इसमें तीन चार तरीके से क्वेश्चन होगा। पहला लिखिए, RMGX की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तब क्या होता है, बताइए। RMGX की ऑक्सीजन से, और कई बार कैटलिस्ट भी ले लेते हैं, Al2O3 लिख सकते हो आप, कैटलिस्ट होता है Al2O3, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और पानी भी ले लिया है सेकेंड स्टेप में, करिए, कराया था ना ऑक्सीजन के साथ ग्रिगनार्ड के रिएजेंट। ठीक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है, और पानी वानी भी लिया है। हो गया, क्या बना?
हो गया। तो देखिए यहां पे क्या होगा, क्या बना प्रोडक्ट, पहला है आपने आर एम जी एक्स लिया, इसको आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल टू ओ थ्री, तो ये हो जाता है आपका आर ओ एम जी एक्स बनता है। ठीक है, अगले स्टेप में जब इसमें पानी डालते हैं तो ये बन जाता है आर ओ एच प्लस एम जी ओ एच एक्स, तो ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये पहला टाप पार्ट है, मतलब दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन। जैसे मैंने कहा था कि ग्रिगार्डियन बहुत वर्सेटाइल होता है, तो चलो एक रिएक्शन करते हैं, देखते हैं आप कर पाते नहीं कर पाते। कराई हुई रिएक्शन है तो आई होप कि आप कर पाएंगे। जनरली मैं पढ़ाता नहीं लेकिन हम रिवीजन टाइप का कर रहे हैं तो ये कर लेना चाहिए। करो हो गया। रिवाइज नहीं किया ना बहुत दिन से। अच्छा नोट्स बना लिए थे ना, एक बार पढ़ लेना और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना आके। ठीक है, अलग से गलत कर रहा है। कराया एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कराया मैंने, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, नॉट इवन एन आयोटा इज इधर और तिधर, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। हो गया, क्या बना? नहीं नहीं पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या बना है? सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ये तो सही है, इसके बाद क्या होगा, क्या बनाया देखा ये बेटा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया मैंने, देखो गलत है। इसके बाद क्या होगा, ये तो गलत, एक स्टेप खा गए आप बीच में, ये तो यहीं पे बन जाएगा जहाँ पे आपने ये लिखा है, ये तो इंटरमीडिएट बना दिया।
एच ओ एक्स लेते हो तो ऑलरेडी ये बन जाता है ना, उसके बाद मैंने वो एच माइनस डाला है, समझ रहे हैं क्वेश्चन? देखिए क्या होता था, बट कोई नहीं, मुझे पता था, नहीं याद होगा, किसी से नहीं होता, एक बार पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए दो तीन बार करनी पड़ती हैं, मुझसे भी नहीं होता था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एच ओ एक्स, एच ओ एक्स में क्या होगा आपसे, पहला स्टेप तो बहुत क्लियर है, एक्स प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ओ एच माइनस अटैक करेगा, ओ एच माइनस कहाँ से अटैक करेगा, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, सी एच थ्री सी एच ओ एच, और यहाँ पे क्या आएगा, सी एच टू एक्स। अब आपने बेस लिया है तो बेस क्या करेगा, बेस क्या करता है, एच निकाल देगा, तो इसको क्या है, इस एच को बेस ले लेगा ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ माइनस, और ये ओ माइनस अब क्या करेगा, इस पे अटैक करके इस एच को निकालेगा, समझ रहे, ये कराया था ना, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा एज ए रिजल्ट, सी एच थ्री सी एच सी एच टू ऑक्सीजन, इपॉक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड के ऊपर आपको क्या करना है, आर माइनस का अटैक कराना है, तो थ्री मेंबर के बेस के ऊपर, थ्री मेंबर के साइक्लिक बेस के ऊपर आर माइनस का अटैक कराते हो तो क्या बनता है आपका, कहाँ से अटैक होता है, आर माइनस का अटैक करा रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में नहीं करा रहे हैं, आर माइनस बेस होता है, तो किधर से अटैक होता है आपका, लेस कराओगे प्रॉपरली एस एन टू होती है, तो ये क्या होगा आपका, इधर से अटैक होगा और ये खुल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, अच्छा है ना क्वेश्चन? ठीक है, आर माइनस जब थ्री मेंबर की रिंग के ऊपर जब आर माइनस का अटैक होता है तो आपका अटैक क्या होता है, एस एन टू होता है, जब एच प्लस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो क्या होता है, एस एन टू हैविंग एस एन वन कैरेक्टर होता था, तो यहाँ सिंपल आर माइनस, आर माइनस तो बेस ही हो गया एक तरीके से, तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा, क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना याद है आपको ग्रिगनार्ड का। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर थ्री पे, चलिए, आर एम जी एक्स प्लस आर सी ओ एच करिए, तीन रिएक्शन करेंगे, क्या होता था यहाँ पे, इस मैकेनिज्म का नाम क्या होता था, इस मैकेनिज्म को क्या नाम दिया था, करेंगे कैसे ये याद है, उस नाम तो एस एन टू टी एच होता है, नाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, एस एन टू हैविंग टेट्राहेड्रल कैरेक्टर, ठीक है, बस मैकेनिज्म आनी चाहिए, नाम नहीं याद है कोई बात नहीं, एच टू ओ जहाँ पे भी जो तो आप ले लेना अपनी तरफ से, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है, आर माइनस का अटैक करो, अटैक कराया आर माइनस का, फिर कैसे किया, दिखाना इधर लाना, हो गया सही, दिखाना इधर, आ जाओ उठ के, उसको क्यों करा रहे, तुम उठ के आ जाओ, आ जाओ देख लेते हैं, नहीं बेटा ये थोड़ी होता है, ये पढ़ाया था मैंने, आप थे नहीं, पता नहीं क्या है, आर माइनस यहाँ पे जाके अटैक करता है और ये ऊपर होता है, देखो ये कर रही है, जैसे अभी बताता हूँ फिर से मैं, ठीक है, हाँ सही होगा, जब वाटर पूछ रहे थे तो सही होगा,
हाँ सही है सही है सही है। एच कभी नहीं निकलता बेटा, एच इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है इसको वैसे कट करो, बस इतना ही रिएक्शन होगा, इसके आगे पानी डाल देंगे तो ये वो क्या ले लेगा। एच एच और आर कभी लिविंग ग्रुप कितना बहुत रेयर होगा, कभी अनटिलनेस वो हो रहा हो रीअरेंजमेंट वगैरह, एच और आर कभी लिविंग ग्रुप की तरह कभी हमने यूज किया है, नहीं किया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो आर माइनस है ये क्या करेगा आपका अटैक कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर सी ओ माइनस एच और यहाँ पे आर। कई बार लोग ओ माइनस लिखा छोड़ देते हैं, कई बार हमने क्या कहा था इसको यहाँ पे ओ माइनस को किसके साथ पेयर कर देंगे, एम जी एक्स पॉजिटिव के साथ। अगले स्टेप में क्या डालेंगे, पानी पानी कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर सी ओ एच एच एच। ठीक है ऐसे एक हिंदी में मुहावरा होता है, मेरा टीचर बहुत मारते थे उसको कि तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है, मतलब इसका मतलब पता नहीं क्या होता है, बेशरम हो गया तो। ठीक है तो बहुत सारे होते थे, पर हिंदी इस मीडियम स्कूल था तो उसमें ऐसे ही चलते थे, और भी बहुत सारे थे। इसका एक एक और होता था वो बहुत एक्चुअली खतरनाक था, कहते हैं कि तुम्हारे आँख में सुअर का बाल है, यू गॉट पिग्स हेयर ऑन इन योर आइज, मतलब अगर उसका लिटरल ट्रांसलेशन करें तो इसका भी सेम मतलब होता है कि बेशरम हो तुम, तो ऐसे करते पानी से याद आ गया। चलिए अगला करिए, इसको कीटोन के साथ रिएक्शन करो। अगेन आर को लीविंग ग्रुप मत बना देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे हम आर माइनस लेके कर रहे हैं, इट कुड बी एनी न्यूक्लियोफाइल ना, तो एक के साथ करना सीख लिया, मतलब सबके साथ करना सीख लिया हमने। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इजी है एक्चुअली बहुत। ठीक है अगले स्टेप में क्या दे देंगे, इसे पानी दे देंगे। तो यहां पे क्या बनना है, 3 डिग्री एल्कोहल बनना, पिछले वाले में क्या बन रहा था, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा। अच्छा कोई क्या, मैंने उस समय पूछा था क्या कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जो 1 डिग्री एल्कोहल दे दे, मेथेनल। अगर आप HCOH लेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरीके की चीजें, इसकी अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे RMDX के साथ तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो मेथेनल छोड़ के और कहीं पे भी कोई भी कार्बोनिल या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आपको 1 डिग्री एल्कोहल नहीं देगा, इज दैट क्लियर। तो कई बार वो डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन में कार्बोनिल कंपाउंड या एनएलडिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद सेड ग्रिगनार्ड रेजेंट, तो आपको सीधे सीधे उसमें हिंट दे रहे हैं कि जो आपने ग्रिगनार्ड रेजेंट लिया है, वो जो आपने कार्बोनिल लिया है वो कौन सा है आपका, मेथेनल है। इज दैट क्लियर। अगला करते हैं, अब हम ले लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल RMGX की रिएक्शन कराते हैं किसी भी आर सी ओ जी के साथ। आर सी ओ जी का मतलब क्या हो गया, कोई भी कार्बोनिल डेरिवेटिव या सॉरी एसिड डेरिवेटिव, कोई भी एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है अच्छा केवल एसिड के साथ अगर इसकी डायरेक्ट रिएक्शन कराते तो क्या होता था, जस्ट पूछ रहा हूं मैं, अगर RMGX की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते तो क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। आर माइनस क्या करता है, एच ले लेता है, तो इसलिए मैंने एसिड नहीं कराया। ठीक है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एच ले लेगा और क्या बना देगा आपको, एल्केन बना देगा। हम कर रहे हैं एसिड डेरिवेटिव के साथ ही, तो एसिड डेरिवेटिव के साथ क्या करेंगे, ये जो जी होता है ये क्या होता है आपका, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है करिए।
ये कर लोगे ना, ये तो अब ओ माइनस हो जाएगा, जी निकल जाएगा, फिर उसके बाद अगले स्टेप में फिर से आर एम जी एक्स दोगे आप, समझ में आया ना, दो बार आर एम जी एक्स लोगे। चलो मैं करा देता हूँ, दो बार आर एम जी एक्स लेना होगा यहाँ पे। तो पहले स्टेप पे क्या होगा, आर माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, ये आएगा आपका आर सी ओ माइनस जी और यहाँ पे आर। अगले स्टेप में क्या होगा, जी इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये पीछे आके ये क्या कर देगा, निकाल देगा, यहाँ पे पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, आर सी ओ आर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल रिएक्शन है इसके बाद वाली, इसके बाद तो हमने किया ही हुआ है, इसके बाद हमने किया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है, लिखो। फ्रॉम अमीन, फ्रॉम अमीन, फ्रॉम अमीन, ये रिएक्शन दोबारा भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि मतलब मैंने स्ट्रक्चर इस तरह से किया हुआ है कि हर रिएक्शन दो बार हो जाए एटलीस्ट। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट होती है अमीन का, ठीक है। तो जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इट इज अ टेस्ट ऑफ अमीन, कि आपको मान लो कोई अमीन दिए हो और आपको टेस्ट करना हो कि कोई प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है या टर्शरी अमीन है या से फॉर एग्जाम्पल एरोमेटिक अमीन है, तो आप इसके लिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं। क्लियर पॉइंट, तो लिखो आगे, फ्रॉम अमीन, जो भी रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज अ टेस्ट ऑफ अमीन, दिस रिएक्शन इज अ, नहीं ऐसे लिखो, दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश, ऐसे लिखो, दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन, ठीक है। तो समझना जरा, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है बट है भी, ठीक है, नॉट इन द सेंस कि मैकेनिज्म का भी पूछेंगे इसकी, बट इन द सेंस कि आगे जब आप चल के अमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म्स आएंगे, तो इसलिए मैकेनिज्म हम पढ़ लेंगे, बट अगेन मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ईदर ऑफ यू, ठीक है, चाहे जेई का करो चाहे जिसका, इसमें मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट हम पढ़ लेंगे मैकेनिज्म क्योंकि नींद अच्छे से आएगी पढ़ाने के बाद। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो देखो होता क्या है रिएक्शन, अगर आपने आर एन एच टू लिया, दैट इज प्राइमरी अमीन, ठीक है, अगर आपने प्राइमरी अमीन की, प्राइमरी अमीन समझ में आ रहा है ना क्या होता है, याद है ना इसका, तो ये प्राइमरी अमीन है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ कराते हैं, ठीक है। तो याद करने का तरीका होता है, HNO2 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले भी हमने किया है ऐसे OH और NO, ऐसा करके लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, ऐसे लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पानी निकल गया, ठीक है, फिर क्या बचेगा आपका, आर एन एन बचेगा, तो दो एन पास पास हो गए तो क्या निकल जाएगा आपका, एन टू भी निकल जाएगा, तो बचा क्या आपका, क्योंकि एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हो तो एल्कोहल ही बचना चाहिए, ठीक है, और क्या बचेगा आपका, आर ओ एच प्लस एन टू प्लस एच टू। तो अगर प्राइमरी अमीन आपने लिया है तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, मतलब जो भी अल्कोहल है वो मिल जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने एरोमेटिक अमीन लिया होता पी एच एन एच टू, तो आपको क्या मिलता, एल्कोहल मिलता, सॉरी फिनॉल मिलता, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, प्राइमरी जब अमीन्स आपकी एच एन ओ टू के साथ, एच एन ओ टू का नाम क्या होता है, हे भगवान, एच एन ओ थ्री का नाम क्या होता है, तो नाइट्रस एसिड बोलोगे ना, जब वो नाइट्रिक होता है तो नाइट्रस ही तो होगा, ठीक है, एच एन ओ थ्री नाइट्रिक होता है तो नाइट्रस होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो आपको एन टू की बबल्स मिलती है, ठीक है, एल्कोहल तो मिलता है दैट इज ओके, बट एल्कोहल थोड़ी बार बार कोई टेस्ट करेगा, ऑल्दो कई लोग करते हैं।
यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट होता है मतलब इंडिकेशन होता है कि आप जिस स्पीकर में रिएक्शन कर रहे होगे वहां पे क्या होंगी, बबल्स निकलेंगे, क्योंकि N2 क्या करेगी, ट्राई टू एस्केप होगी। तो लिख लेना नीचे, बबल्स ऑफ N2 आर सीन, बबल्स ऑफ N2 आर सीन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखते हैं आपका, वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा मतलब नीट हो जाता अगर इसको लिखते। आर क्या था ये, आर एन एच टू प्लस ओ एच एन, ऐसे करके बना सकते थे चित्र। ठीक है, आर ओ एच निकल गया, बचा हुआ आपका एन ओ एच और वो हो गया, मतलब दिखने में थोड़ा ज्यादा नीट लगता, बाकी आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी अमीन के पास। तो सेकेंडरी अमीन जो होता है R2 NH प्लस OH और यहाँ पे NO। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी निकालना है, और अगर हम उल्टा लिखते हैं तो पानी निकलता नहीं, पानी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पानी निकल गया, तो यहाँ पे जो बनेगा, अगेन स्ट्रक्चर नहीं इम्पॉर्टेंट है, नाम इम्पॉर्टेंट है, और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, अगर याद रखो तो रख सको, नहीं याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बना देता हूँ एक बार खोल के, पता लगा ना फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंडरी की अमीन में हो क्या रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसामीन, नाम इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, और नाम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जो जनरली वो पूछते हैं कि ये जो होता है येलो ऑयली लिक्विड होता है। अब ये मत करना कि पता लगा सर पे लगाना शुरू कर दो, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल की तरह। तो ये क्या होता है आपका, येलो ऑयली लिक्विड होता है। तो जब टू क्या दिक्कत है, ठीक है, जब आपने 2 डिग्री अमीन लिया है तो आपको क्या मिल गया है, येलो ऑयली लिक्विड मिलता है। ठीक है, ओके, 3 डिग्री की जब हम बात करते हैं, देख लो, तो 2 डिग्री क्या देता है आपको, येलो ऑयली लिक्विड देता है। 3 डिग्री जनरली डज नॉट रिएक्ट होता है, ऐसा लिखा होता है, या तो लिखा हुआ डज नॉट रिएक्ट, या अगर जबरदस्ती रिएक्शन कराना होगा, ठीक है, दिस इज नॉट अ रिएक्शन एक्चुअली। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होती है आपकी जबरदस्ती की, मतलब जेद होती है कि करा के छोड़ेंगे, क्योंकि देखो ये बेस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपका, एसिड होता है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या दे देते हैं, सॉल्ट। तो ये क्या बन जाता है आपका, R3NH प्लस और NO2 माइनस। तो ये सॉल्युबल नाइट्राइड सॉल्ट होता है। ठीक है, सॉल्युबल नाइट्राइड सॉल्ट, नाइट्रेट नहीं, ये क्या है, नाइट्राइड, सॉल्युबल नाइट्राइड सॉल्ट होता है। बट समटाइम पीपल डू राइट कि देयर इज नो रिएक्शन, क्योंकि रियलिटी में कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो सॉल्युबल नाइट्राइड सॉल्ट बनता है आपका। तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जब 1 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी, जब भी 1 प्राइमरी अमीन की HNO2 के साथ रिएक्शन होगी, तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट, तो ये चीज है। मैकेनिज्म करनी है इसकी अभी, मैकेनिज्म एक्चुअली है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है, लिखो इसमें मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किसकी पढ़ रहे हैं हम, प्राइमरी अमीन की, बस सेकेंडरी टर्शरी का कुछ नहीं, प्राइमरी अमीन विद एल्कोहल की, मैकेनिज्म ऑफ प्राइमरी अमीन विद एल्कोहल।
मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं करा रहा बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर इट, और बाकी जब हम अमीन पढ़ेंगे तब मैं करा दूंगा, ठीक है? जब इसकी फालतू में अभी लोड क्यों लेना इतना ऐसे ज़्यादा रिएक्शन से, तो समझिए प्लीज, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, पहले जो OH होता है और NO जो होता है, ठीक है, HNO2 को ऐसे लिख सकते हैं, ये टूट जाता है। एक्चुअली H2SO4 हम हल्का सा लेते हैं या हल्का सा H+ अलग से लेते हैं, वो पानी लेके निकल जाता है, तो यहाँ पे H2 हो गया प्लस एंड डबल बॉन्ड वो पॉजिटिव। तो पहला क्वेश्चन होता है इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है, NO। तो पहले इतना लिख लो, बट दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो वो क्या होता है आपका, NO होता है। से कर सकते हैं मैकेनिज्म पूरी, ये छोड़ो। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, R है, N है, H है, H है, ठीक है? ये क्या होता है आपका, अगले यहाँ पे N है, डबल बॉन्ड O है, ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जाके क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, R N H H N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि चार बॉन्ड हो गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, सोचो। पहली चीज तो ये बेस से आके हाइड्रोजन निकाल लेगा, करना नहीं है आपको, अब करना नहीं है इसके आगे, बट ये बताओ आप सोचो उसके बाद क्या हो सकता है, एक एच निकाल दो, अब उसके बाद क्या हो सकता है, दिख रहा है किसी को कुछ? बहुत सिंपल है, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे तो डिफिकल्ट है। एक एच हटा दो वहां पे, मान लेते मैं ही हटा देता हूँ, ये लिखना मत आप, ठीक है, ये मत लिखना, जब हम मीन पढ़ेंगे, जस्ट मैं सोचने की तरीका बता रहा हूँ, आप सोचो एक बार कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, क्या चीज हो सकती है जो आपने पहले पढ़ी है, सोचो। यहाँ पे कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है जो हो सकता है, हिंट दे, काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म हो सकती है, एक काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म हो सकती है, कौन से काइंड की और क्या बनेगा, हाँ तो उस आइसोमेरिज्म को क्या बोलते थे, कुछ भी, ठीक है, सही बता रहा हूँ, बट नाम क्या होता था, हाँ वो आइसोमेरिज्म पढ़े थे भाई, दिख नहीं रहा है, इसको क्या बोलते थे, टॉटोमेरिज्म होती है ना यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकती है। अब इसके बाद सिंपल हो जाते हैं मैकेनिज्म, जिसमें समझाते हैं कि सोचने का तरीका होता है, इनके साथ को ना आता हो तो जो चीजें पढ़ी है उनको कहीं ना कहीं से क्लब करके आप कर सकते हैं इसके आगे। अब अगर आपको प्रोडक्ट पता, खैर इतना आपको करना नहीं अभी, जस्ट क्वेश्चन था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया पूछने से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, आप सीधे क्या करेंगे, दो चार स्टेप बीच में होते हैं वो भूल जाओ, यहाँ पे लिख दो R+। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे क्या बनता है, R+ बनता है। अगर R+ बनता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कार्बोकैटायन बनता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट कार्बो, डायरेक्ट फिनॉल, डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बनता, अमीन से जो एल्कोहल बनता है वो क्या होता है, डायरेक्ट नहीं बनता है, वो क्या हो सकता है, बीच में रीअरेंज हो सकता है। बस यही दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक ये बनता है, एक ये। और अगर बहुत ही टफ करना हुआ एडवांस एडवांस में तो ज्यादा इसमें टॉटोमेरिज्म पूछ लेंगे, ठीक है? और वो पॉइंट लिख लेना कि जो PHNH2 होगा, PHNH2 वो क्या दे देगा आपको, PHOS देगा, तो वो क्या है आपका, फिनॉल है।
ये हो गए आपके सारे रिएक्शंस बेसिक। चलो थोड़े सड़ी सड़ी रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास है। बहुत प्यारी रिएक्शन आपको एक पढ़ने को मिलेगी, उसका नाम होता है पिनाकोल, पिनाकोलोन रिएक्शन। बहुत मजा आता है उसको पढ़ने, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शंस हैं। और आप पढ़ेंगे एस्टर का, बस दो ही रिएक्शन हो पाएंगे पूरी क्लास में, एस्टर का मतलब एस्टर का फॉर्मेशन, एस्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो भी बहुत प्यारी रिएक्शन है, तो दोनों ही बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। लिखिए अगले हेडिंग, तब तक चिल्लर वाली रिएक्शंस कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस, हेडिंग डालिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बताइए अगर हम पहला रिएक्शन डाल लो, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम पहला टाइप है या पहली हेडिंग है, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है। तो अगर सोडियम के अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आर ओ एच है, कोई भी टाइप का अल्कोहल हो, जो भी प्राइमरी अल्कोहल हो, ठीक है, कोई भी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ होगी तो क्या होगा, कौन बताएगा। कितनी बार करा चुके ये, आज पांचवी छठी बार होगी ये रिएक्शन, क्या होगा, हाँ आर आर कहाँ से हो जाएगा, तुम तो अलग ही कर रहे हो, एक आर और लगा दो डांस हो जाएगा यहाँ पे। हाँ कौन बोला, हाँ क्या, हाँ पता है ना, ये जो एच होता है ये क्या होता है आपका, एसिडिक होता है, अगर ये एसिडिक होता है तो क्या बन जाएगा, आर ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है हम पहले पढ़ चुके हैं बट कभी मैंने इंफेसाइज नहीं किया, बस एक ही बार बताया था थोड़ा सा, लेट्स सी कितने लोगों को याद है। अगर मैं एल्कोहल ले रहा हूँ, यहाँ पे तीन एल्कोहल लेता हूँ मैं, एम ई ओ एच, ई टी ओ एच और प्राइमरी हो गया सी एच थ्री, सी एच टू सी एच थ्री ओ एच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी एच थ्री सी, सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच, रेट बताओ, सिंपल सा रिएक्शन है कि इनमें से रेट बताओ। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, पूछ रहे हैं इस रिएक्शन के हिसाब से रेट बताइए, ठीक है। अगर आर ये है, मतलब क्या हुआ कि आपको बताना है कौन सा जितना ज्यादा एसिडिक होगा, जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतनी जल्दी क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, या वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ इसमें रेट किसका ज्यादा होगा, करिए। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ हाँ, एम ई ओ एच क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा वो एम ई का क्या है, सबसे कम माइनस आई है, उसके बाद माइनस इंडक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्या जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने जल्दी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ना वो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है आपका, अच्छा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा आपका, एम ई ओ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ना, फिर ई टी ओ एच, फिर ये, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है करें। इसमें हमने अगेन पहले पढ़ा हुआ था, जस्ट फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, इसमें याद है ना, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन का मतलब जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते थे, तो उसमें क्या करते थे, फॉर एग्जांपल
करिए, क्या होता था इसमें, पहले H प्लस जाके उस पर लगेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3। मैं ये कर देता हूँ, फिर आप अगला करना, ठीक है। OH2 पॉजिटिव बनेगा, देन अगले स्टेप में क्या होगा, E1 होगी या E2 होगी, E1 होता है ना यहाँ पे, क्योंकि SN1 का हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो, अगर नहीं हो सकता तो नहीं होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, जो पानी होता है वो एज ए बेस एक्ट करेगा और क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, यहाँ से निकाल देगा, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। और हमेशा कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, जिसके निकलने पे जो एल्कीन बन रही है वो क्या है, सबसे स्टेबल है, क्योंकि E1 और E2 में एल्कीन क्या बन रही है, सबसे स्टेबल है, अनटिल एंड अनलेस आपका बेस क्या है, बहुत बल्कि हो और वो आपको क्या दे रहा हो, हॉफमैन प्रोडक्ट दे रहा हो, याद है E1CB वाला जो केस था, ठीक है। को लग रहा होगा कैसे याद होगा ऐसा सब कुछ, पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी सी मेहनत करो, बहुत इजी है, बट यही है कि मेहनत मांगते हैं। आगे करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक जल्दी छोड़ देंगे ना, तो 20 मिनट ब्रेक नहीं हुआ आज, किसी ने बोला भी नहीं आज ब्रेक के लिए, मैंने सुना ही नहीं। करिए, DRS मांग रहा था, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बुरा नहीं है बहुत। अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, सॉरी मैंने बोला नहीं, यहाँ पे जो हम H प्लस लिखते हैं वो बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था H2SO4 होता है ना, और टेम्परेचर क्या रेंज होती है यहाँ पे, 120 या 140 के ऊपर होता है, 140 प्लस लिखते हैं जनरली, कई बार 120 भी लिखा होता है। और अगर मान लो मैं टेम्परेचर कम कर देता हूँ तो क्या हो जाएगी, SN1 हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। करिए, बन गया, गलत है, एक बार दिखा दो, नहीं सही लग रहा है, बट एक सी तुम्हारा कुछ कम हो गया है, सी कम नहीं हुआ है, वहां पे 5 सी थे, यहाँ पे 4 ही सी है तुम्हारे प्रोडक्ट में। अच्छा, 5 सी वहां पे, कितने 4 2 6 है वहां पे ना, सी कम हो गया, हो गया। सही है, देखो ना, थोड़ा सा ध्यान दो, सही होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में देखिए प्लीज, इधर ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप पे OH2 पॉजिटिव,
अगले स्टेप में क्या होगा, ये निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा था, अगर H नहीं, या तो आप क्या करें, H है तो H को घुमाएंगे, अगर H नहीं है तो जो मिल जाए उसको घुमा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 डिग्री है, और अगर मैं 1 ME को उठा के यहाँ पे ला दूं और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ले आऊं, ME को उठा के लेफ्ट पे लेगा और पॉजिटिव चार्ज को उठा के राइट पे ले गया, तो यहाँ पे क्या होगा CH3CHME। तो ये देखो कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकाल दोगे आप, अगर ये हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपका जो एल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो कितनी अच्छी एल्कीन बनी है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इससे अच्छी एल्कीन क्या मिलेगी आपको, ठीक है। एक SN1 वाला भी कर लो, इसी क्वेश्चन को कर लेना SN1 में, ठीक है, एक SN1 वाला कर लेना। अगर टेम्परेचर बहुत कम ले रहे हैं हम, तब क्या करोगे, जस्ट इन केस रिमाइंडर के लिए। अच्छा प्रोडक्ट क्या बनता था उसमें, पहले स्टेप में तो सेम रहेगा, इतना तो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, इतना तो सब कुछ सेम रहेगा। अगले स्टेप में क्या होगा बोलिए, अगर आपने टेम्परेचर कम रखा है, से फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री रखा है, तब अगले स्टेप में क्या होता था, SN1 होती थी, लेकिन तो होता क्या था, SN1 बोल रहे हो, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, H2SO4 थोड़ी होता था, पक्का वन ऑफ द वे, ठीक है, बट बिल्कुल सही है, वो भी बनेगा, बट वो बहुत माइनर प्रोडक्ट होगा, HSO4- अटैक करेगा, मेजॉरिटी में यहाँ पे क्या है, एल्कोहल खुद के ऊपर अटैक कर देता था, याद है, तो प्रोडक्ट क्या बनता था आपका, ईथर बनता था। HSO4 वाला भी सही है, वो गलत नहीं है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, रिवाइज कर लेना ये भी जाके, अगर भूल जाओ तो, तुम लोग भी सोच रहे हो कितना रिवाइज करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन कर लो, हमारा फेवरेट ना रिडक्शन, तो अल्कोहल को रिड्यूस करके मिलेगा क्या आपको, हाँ हे भगवान, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले एसिड होता है, सबसे पहले एसिड से एल्डिहाइड, फिर अल्कोहल, और अल्कोहल को रिड्यूस करके फाइनली क्या मिलता है, एल्केन, ठीक है। जो आपका सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड, सॉरी एसिड, एसिड को एल्डिहाइड करते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड या समटाइम कीटो, बहुत रेयर होगा वो, उसके बाद इसको करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल,
और अल्कोहल को रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्केन। और जो ऑक्सीडेशन का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो लिखें, इतना याद होना चाहिए बस। तो आंखें बंद करके हर बार आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो याद करना ही नहीं है फिर, तो सिंपल है, क्योंकि अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एल्केन। तो आपको प्रोडक्ट तो याद करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका आर ओ एच है। अच्छा कौन, देख लो एक बार पीछे क्या क्या था जो अल्कोहल को रिड्यूस करता था, मैं तो बता ही दूंगा बट फिर भी एक बार देख लो। एक ही था मेनली, वैसे और भी थे। मेनली एक ही आपने पढ़ाया अगर याद हो आपको तो, रेड फास्फोरस और HI आपने एक ही पढ़ाया, वो क्या था मेनली, रेड फास्फोरस प्लस HI। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, RH मिल जाएगा। उसको लिख लो कहीं पे, मतलब दो पेज दो तीन पेज में तो इजी रहेगा, जैसे वो याद हो गया अब आपको प्लस एम माइनस एम वाला, तो ये भी याद हो जाएगा। मान लिया करो, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, कब से कह रहा हूँ लिख लो, लिखा ही नहीं, मत लिखो। आगे लिखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ठीक है। तो बहुत क्लियरली की बात करते हैं, बहुत क्लियरली देखो, तो अगर आप ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, समझो इधर, अगर आपके पास R, पहले बेसिक समझ लो ताकि प्रोडक्ट बनाना इजी रहे। अगर RCH2OH है आपके पास, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको क्या देगा, अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन है, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या देगा आपको, RCHO। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या दे देगा, ठीक है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, ठीक है। और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू रेयर कंडीशन जो आप पढ़ेंगे जब आप कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी हर जगह कीटोन आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये आपका रेयर जो डायग्राम है ये है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, प्लीज बेयर विद मी, ठीक है, रटने वाला थोड़ा ज्यादा है। हम चाहें तो एक एक की मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने की ना। तो देखो रटने का तरीका कैसे, सब एक एक करके लिखा दे रहा हूँ, पॉइंट वाइज डालना, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, Thank you.
प्लीज ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही ध्यान से रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक है, अब आपको दिक्कत हो सकती है समझे यहाँ पे इसका रीजन क्या है। हर चीज का रीजन होता है, मैं बताऊँ भले ही ना, लेकिन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि से फॉर एग्जाम्पल KNO4 के साथ प्रॉब्लम क्या है। KNO4 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये डायरेक्ट रिडक्शन कर रहे हैं, सॉरी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एल्कोहल का एसिड में एंड सेकेंडरी एल्कोहल का कीटोन में। ये तो क्या है, नॉर्मल है। सो व्हाई डू वी यूज KNO4 एंड K2Cr2O7 बोथ? ठीक है, देखो KNO4 के साथ प्रॉब्लम क्या थी, इवन K2Cr2O7 के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मान लो आपका जो कंपाउंड है उसमें कहीं पे डबल बॉन्ड है, तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड को खुद एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। याद है KNO4 जब लेते थे तो KNO4 क्या करता था, डबल बॉन्ड की जगह पे OH आ जाता था। लेकिन अगर आप H2CrO4 लेंगे तो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई मेक यू, आई एक्सप्लेन दिस। मान लो आपसे कहा गया कि इसको ऑक्सीडाइज करो, ठीक है, इसको आप एसिड में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब आपने KNO4 लिया, KNO4 इसको तो कर देगा लेकिन इसको भी टच कर देगा। बट अगर आप H2CrO4 लेते हैं तो वो इसको टच करेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। इज दैट क्लियर नाउ? तो यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में, अनसैचुरेशन इज सेफ। अनसैचुरेशन क्या है आपका, सेफ है। जबकि KNO4 में क्या होता था, सेफ नहीं होता था। याद है? अच्छा, KNO4 करता क्या था, याद है? बताइए KNO4 क्या करता था, KNO4 डबल बॉन्ड के साथ क्या करता था, OH आ जाएंगे। और अगर हमने हॉट KNO4 ले लिया, तब जैसे हम यहाँ पे ले रहे हीट के साथ, वो तो कोल्ड KNO4 करता था OH। अगर हॉट KNO4 लेते थे तो क्या होता था, नहीं याद है? ओके, तो वो क्या करता था, दो बार OH ले आते थे यहाँ पे, याद है? तो दो बार इसको पूरा खत्म कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाता था, OH OH और यहाँ पे OH और OH, और ये क्या करता था आपका, पानी निकाल देता था। याद है? ठीक है, इन केस अगर ना याद हो तो लिख लो रिवाइज, जैसे इसके नीचे लिख लेना रिवाइज रिएक्शन ऑफ KNO4 विद एल्कीन एंड एल्काइन। रिवाइज रिएक्शन ऑफ KNO4 विद एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, आगे बढ़े ना, पॉइंट नंबर टू डालते हैं। ये पॉइंट नंबर वन था, टू टू रादर सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। पॉइंट नंबर टू, ठीक है, तो पॉइंट नंबर टू क्या है आपका, RCH2OH को RCHO में कन्वर्ट करना, या अगेन RCHOH को R डैश को किस में कन्वर्ट करना, RCO R डैश। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है वो एल्डिहाइड के केस में ही क्रिएट हो रहा है। जो आपका दिस एथीटोन वाला केस है उसमें आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? कि इस केस में तो आप पहला वाला केस भी सेम है और दूसरा वाला भी केस सेम है। तो जब आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिले या से फॉर एग्जाम्पल आपको कीटोन मिले, देन यू डोंट हैव टू बॉदर बॉदर अबाउट द डिफरेंशिएशन। क्या करना है आपको, तब तो आंखें बंद करके कुछ भी यूज कर लो। केवल और केवल जब एल्डिहाइड का केस हुआ तब आपको क्या हुआ, तुम्हें तब मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? हाँ, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा ऐसे, कह दो नहीं बताना। हाँ क्या, वो चाहे चुप बैठा, तुम्हें फालतू में फंसाया जा रहा है ना ऐसे सीधे बोल दिया मैंने, मुस्कुरा, मैं क्यों फालतू में थोड़े बोलूंगा कि मतलब मुस्कुरा क्यों रहे हो। ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो जब भी आप आपका एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड के केस में क्या होगा आपका, बस आपको तब ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस यूज होते हैं या कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं उनके नाम आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, इनके नाम ध्यान रखना। CrO3 H2SO4 एसीटोन, इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट ये पिरिडीन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलिंस रिएजेंट, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके, नॉर्मल है। आगे लिखे ठीक है, दो और रिएजेंट हैं जिनके नाम बहुत ज्यादा यूज होते हैं, नाम नहीं मतलब नाम तो इन्हीं दोनों के यूज होते हैं, बाकी दो रिएजेंट हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अभी सोच रहे इतने रिएजेंट हो गए, TCC CH2 Cl2, ठीक है। इसका नाम पता है, ठीक है, इसका नाम होता है लिखे पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। अगेन अगर आपको मन हो तो याद करना, वरना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू रिमेम्बर कि पीसीसी का काम क्या होता है, दैट्स इट। मेरा काम है बताना तो मैं पूरा बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, आगे बढ़े, लिख लिया। अगली हेडिंग डालिए, मतलब हेडिंग नहीं, अगला एक रीजेंट और बचा है। अगेन ये स्ट्रक्चर और नाम भी भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज यू रिमेम्बर कि पीसीसी का काम क्या होता है, वो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड का मतलब क्या हुआ कि वो केवल जो आपका जो एल्डिहाइड है वो केवल अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड में, ना कि एसिड में। अगला होता है EF जो है वो है PDC CH2 Cl2, ठीक है। स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, मन हो तो बना लो, मैं बता देता हूँ।
ठीक है, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर सबको पता ही है, उसमें पिरिडीन लगा लेना, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता था वैसे ये क्या है, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, यहाँ पे क्लोरो नहीं है, नाम क्या है इसका, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता था तो पोटेशियम की जगह पे हमने क्या लगा दिया है, पिरिडिनियम लगा दिया है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि एक और रिएजेंट का नाम आता है, लिखो फेंटन रिएजेंट। ठीक है, स्कूल में बहुत पूछते थे मेरे टाइम में, अब पता नहीं पूछते नहीं पूछते, फेंटन्स रिएजेंट। ठीक है, लिखो FeSO4 प्लस H2O2, लास्ट है ये, इसके बाद छोड़ दे रहा हूँ मैं। FeSO4 प्लस H2O2, FeSO4 प्लस H2O2। अच्छा, अब बताइए यहाँ पे कि क्या होगा अगर FeSO4 के H2O2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बताइए। अगर FeSO4 के रिएक्शन H2O2 के साथ होगी तो क्या होगा, H2O2 क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो FeSO4 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। बेटा हर चीज मैं नहीं बता पाऊंगा इस तरीके से, इस क्वेश्चन में बता दिया, थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है। तो क्या होगा, Fe2+ किस में कन्वर्ट होगा, Fe3+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट लिख लो। तो लिखो इट कन्वर्ट्स, फेंटन रिएजेंट जो है, इट कन्वर्ट्स इट फेंटन रिएजेंट। हाँ, थर्ड नंबर है हेडिंग नहीं, मतलब जो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं ना, तो जो भी है ऑक्सीडेशन के अंदर ही है ये भी। फेंटन रिएजेंट क्या करता है, इट कन्वर्ट्स हायर एंड ब्रांच एल्कोहल, हायर एंड ब्रांच एल्कोहल इनटू डायोल, इनटू डायोल। ठीक है, ये तो बहुत हायर है ना, 3 डिग्री है, और ऊपर से क्या है, ब्रांच भी है, तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लो। यहाँ पे फेंटन रिएजेंट ले लिया तो क्या होता है, सिंपली क्या होता है, एक दूसरे से क्लब हो जाते हैं, दैट्स इट। कोई बहुत इसमें कोई पूछेगा नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं जानना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट पढ़ लो, क्या पता पूछ ले, किस्मत खराब हो। सारा ऑक्सीडेशन हो गया होपफुली, और ये सब भी पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर हम नए क्वेश्चंस, नई एकदम नई मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, एस्टरीफिकेशन। और ये आज जल्दी छोड़ गया ना, चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।